ये जिंदगी भी एक चाय की तरह ही है, कभी फीकी तो कभी मीठी, कभी गर्म तो कभी कभार ठंडी भी। मेरी जिंदगी भी कुछ अलग नहीं है। चाय की बात हो ही रही है तो कहानी भी चाय से ही शुरू करते हैं। भैया एक अदरक वाली चाय बना दीजिए, चीनी थोड़ी कम और बिना इलायची के। आज मेरे अंदर एक कसक, एक अलग सी बेचैनी है। वैसे तो जो मेरा दिल चाहता था वो हो चुका है, लेकिन अगर दिल यही चाहता था तो थैंक यू। आज ये दिल बेचैन क्यों है? भैया तीन चाय देना। क्यों दिल से एक आवाज आती है जो मैं समझ नहीं पाती? भैया दो चाय। हेलो, हाँ आ रही हूँ। भैया कितना हुआ? 10 रुपए। ये लीजिए। वैसे मैं हूँ। एक्सक्यूज मी, मिसेस तारा मेहता। तारा? या ऑफ कोर्स। हाउ आर यू मैम? आई एम गुड। बाय द वे माय सेल्फ सुरभि, मैं एडवोकेट बंसल की असिस्टेंट हूँ। ओह अच्छा, मिस्टर बंसल नहीं आए? वो एक्चुअली मैम सर को एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग की वजह से कोर्ट जाना हुआ तो वो नहीं आ पाए, और वैसे भी सारी फॉर्मेलिटी तो हो चुकी है, बस वो फाइनल पेमेंट। एक मिनट। बहुत बहुत मुबारक हो मैम, फाइनली कोर्ट ने आपकी डिवोर्स की मंजूरी दे दी और सारा फैसला भी आपके फेवर में है, हमारे सर ने तो बोला ही था। जी शुक्रिया। थैंक यू मैम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर याद करिएगा। उम्मीद करती हूँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महीनों गुजर गए हैं, अब समझ पाई हूँ कि दिल की उस बेचैनी भरी आवाज़ में एक सवाल था जिसका जवाब मैं आज भी ढूंढती रहती हूँ। कभी कभी डर भी लगता है कि क्या कभी मैं इनके जवाब ढूंढ पाऊँगी। सिगरेट पीना तो छोड़ दिया था ना? जिसके लिए छोड़ा था उसी ने छोड़ दिया। कैसी हो और यहाँ कैसे? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ही हूँ, ठीक रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम कैसे हो तारा? और करण कैसा है? मुझे याद तो करता है? मैं तो ठीक हूँ, करण भी ठीक है। आप तो उससे स्कूल में मिलते ही रहते हैं ना? हाँ मिलता तो हूँ, लेकिन मन नहीं भरता। समझ सकती हूँ। एक बात बताइए, मेरी भी कभी याद आती है? जिंदगी एक किताब की तरह भी है, जब लगता है कि किताब के सारे पन्ने खत्म हो गए हैं अब क्या, फिर अचानक एक नई किताब सामने आती है और एक नया चैप्टर शुरू होता है। वेलकम सर। वेलकम मैम। भैया दो कड़क अदरक वाली चाय, चीनी थोड़ी कम रखना, और हाँ इलायची बिल्कुल नहीं। जी सर। आपको भी याद है मुझे चाय में इलायची पसंद नहीं? चलो इसी बात पे मुझे मेरे सवाल का जवाब तो मिला। कैसा जवाब? यही कि आप मुझे याद करते हैं या नहीं। बिल्कुल भी नहीं, याद तो कभी कर ही नहीं पाया। तारा किसी को याद करने के लिए पहले उसे भूलना पड़ता है। मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं,
अच्छा जी, फ्लर्ट? आपकी फ्लर्ट की आदत कहीं नहीं आज तक। और तुम्हें आज तक भी मेरी हर बात फ्लर्टी लगती है। खैर ये सब छोड़ो, तुम खुश तो हो ना अब? किस बात पर? आप मुझे भूले नहीं इस बात पे या फिर वो इलायची वाली बात पर? खुश कितनी हूँ पता नहीं, खुश हूँ भी कि नहीं आज तक ये भी नहीं समझ पाई। मेरी छोड़िए ना, आप बताइए आपकी ट्रीटमेंट्स अभी भी चल रही हैं क्या? सब रिपोर्ट्स ठीक है ना अब? रिपोर्ट्स का क्या है तारा, रिपोर्ट्स तो अच्छी बुरी आती रहेंगी, लेकिन जब जीने का हौसला ही ना रहे तो रिपोर्ट से क्या ही फर्क पड़ता है। पागल हो गई हो क्या? ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? योर टी सर, योर टी मैम। क्या हुआ, क्यों ऐसी बातें करते हो जी? नेवर माइंड। अच्छा एक बात बता दो, वैसे मैं ये खबर भिजवाने वाला था। क्या बात है बताइए ना, और खबर भेजने वाले थे का क्या मतलब है? अब खुद भी तो आ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ, यहाँ वाली प्रॉपर्टी मैंने करण के नाम कर दी, मुझे ऐसे 18 साल का होगा। ये सब क्या बोल रहे हो आप, और कहाँ जाओगे? कहाँ जाऊंगा ये भी सोचा नहीं, कहीं दूर ही जाऊंगा। अब इस शहर में उन यादों के साथ रह नहीं पाता, यहाँ की हर गली हर रास्ता मेरे ना होने का एहसास दिलाती है। जब साथ में थे तब इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। आप रो रहे हैं, सुनिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। एक दूसरे से दूर होने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब जब हम एक दूसरे से दूर हैं तो रहा ही नहीं जाता। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे दूर नहीं रह सकते और मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। तारा मैं तुमसे कितना प्यार करता था ये मैं कभी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन कितना प्यार करता हूँ ये शायद मैं अब समझ गया हूँ। अब जब तुम मेरे पास नहीं हो तो समझ आया कि तुम्हारे बिना जीना कितना मुश्किल है मेरे लिए। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तारा मैं मानता हूं कि पिछले कुछ वक्त से हम दोनों के बीच प्यार कम होता जा रहा है, लेकिन कमी सही प्यार तो था। तारा क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं, साथ में रह के इस प्यार को फिर से बढ़ा सकते हैं ना? मैं जानती थी कि आप भी मुझे मिस करते हैं और आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त नहीं समझ पाई। अब एहसास होता है कि वो प्यार ही हमारे लिए सब कुछ था। मैं शायद ये बोलने का हक अब खो चुकी हूं, लेकिन मैं यह हक फिर से चाहती हूं।
एक बात पूछूं? हाँ। क्या आप मुझे ये हक फिर से दे सकते हैं? क्या मुझे अपनी जिंदगी में, अपने दिल में और अपने घर में दोबारा आने दे सकते हैं? जिंदगी और दिल में तुम हमेशा से थी और हो, और मेरे कम से कम मेरे जीने तक तो रहोगी। और जहां तक घर की बात है तारा, वो हमेशा से तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे आपके साथ ही रहना है। कितना रोती हो तुम रोंदू? क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मुझे अपने हमारे घर फिर से ले चलिए ना तारा। ये प्यार सिर्फ तुम्हारा या मेरा नहीं है, ये प्यार हम दोनों का है। इसमें मौका सिर्फ तुम्हें नहीं, हम दोनों को एक दूसरे को देना है। मैंने भी तुम्हें समझने में बहुत सी गलतियां की हैं, मुझे माफ कर देना। हमारी चाय भी ठंडी हो गई, तो चाय और बोल दीजिए ना। तो बैठ। भैया ऐसे बिना इलायची की दो कड़क अदरक वाली चाय। जी सर। जिंदगी हो या चाय, उसे उसमें सही जायका डालना हमारे ही हाथों में है। अब मेरी फी की जिंदगी में आए इस जायके को हमेशा बनाकर रखूंगी।